इस विच कोई शक नहीं कि माँ बच्चे की पहली टीचर होंगी। माँ का दर्जा बहुत उच्चा है। माँ की गोदी विच बैठ के ही बच्चा पहला शब्द बोलना सीखता है। माँ की उंगल फड़ के ही वो चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, फिर डिगदा है, फिर उठता है। माँ की चुन्नी का पल्ला फड़ के ही वो जिद करता है ते माँ उदियां चंगियां माड़ियां सारियां लोड़ां पूरियां करन दी कोशिश करती है। माँ दे इन सारे कम्मां नूं असीं शब्दां दे विच बन नहीं सकते। माँ द्वारा किते हुए कम्मां दा जिहड़ा देन है कोई भी बच्चा नहीं दे सकता। तो दोस्तों अज असीं गल करांगे सुपर मॉम दी। सुपर मॉम की हुंदी है, उहदे किहड़े किहड़े कम्म हुंदे हन, वीडियो दे अगले भाग दे विच असीं देखांगे। तो अंत तक बने रहियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुहाडा दोस्त विनोद। तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल। वीडियो शुरू करने तो पहला मैं दस दिया कि यह वीडियो नंबर एक उन्हां टीचर्स के लिए है जिन्होंने हमेशा यह शिकायत रहती है कि साढ़े जेडे पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो ना तो पेरेंट्स मीटिंग्स के हिस्सा लेंदे हैं, ना ही बच्चे घर का काम करके आते हैं, ना बच्चों के कोल पेन होंदा, ना कापी होंदी है, उन्होंने कपड़े भी प्रॉपर नहीं होंदे, यूनिफॉर्म जिहड़ी है गंदी होंदी है, जां होर भी इस तरह दी होर समस्यावां जिहड़ियां अध्यापक फेस करते हैं। दूसरे नंबर पर यह उन्होंने मापियां दे लई लाहेवंद है जिहड़े अपने बच्चे की पढ़ाई दे लई अलर्ट नहीं हैं। उन्होंने इस वीडियो तो यह सीखने को मिलेगा कि किस तरह असीं बच्चों दे किहड़े किहड़े जिहड़े पक्ष हैं वह ठीक करने हैं, जिवें वर्दी है, जिवें उहदे स्कूल की अटेंडेंस है, बच्चे दीआं पेरेंट्स मीटिंग्स दे विच जाना बड़ा इंपोर्टेंट होंदा है, वह क्यों इंपोर्टेंट होंदा है। एजुकेशन दे संबंध विच जदों असीं गल करिए तां माता पिता, अध्यापक ते बच्चे, यह तीन एलीमेंट हैं, यह तीन जने हैं जिन्हां दे उत्ते जिहड़ी एजुकेशन दा स्तर है, उहदा पद्धर है, वह खड़ा है। इहनां विचों एक जना भी ढिल्ला पै जाए ते तुहाडी एजुकेशन जिहड़ी है काफ़ी पिछे हो जाएगी। माता पिता की गल करिए, उहनां विचों भी ज़्यादा करके माता नूं ही ये देखना पैंदा है क्योंकि पिता ने घर के दूसरे काम, कोई बाहर दे काम, पैसे कमा के लियाना, घर विच रोटी पानी का इंतजाम करना, ये सारा कुछ देखना होंदा। कुल मिला के असीं गल करिए तो बच्चे की एजुकेशन की जिहड़ा घर दे विच जिहड़ा काम है वह मदर का आ जाता है। स्कूल दे विच टीचर का है, घर विच मदर का है। मदर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर ने बच्चे के कपड़े धो के प्रेस करके उन्हें स्कूल भेजना होंदा है, रोटी बना के खवानी होंदी है। जदों बच्चा स्कूल तो घर आंदा है फिर वो स्कूल द्वारा दिता गया जिहड़ा काम है वह भी करवाना होंदा। छोटी छोटिया गल्लां अगर देखिए बच्चे दी कापियां पेन का इंतजाम करना होंदा है। लेकिन देखा गया कि सरकारी स्कूलों के बच्चे के पेरेंट्स बच्चों वल ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। उपरोक्त जिहड़ी समस्या है उन्हों असी सॉल्व करन दे लई प्रिंसीपल श्री विजय कुमार जी मल्होत्रा जी नाल डिस्कस करन उपरंत असी एक प्रोग्राम लिखा है ते प्रोग्राम का नाम है सुपर मॉम। सुपर मॉम दे विच कड़ी कड़ी असी एक्टिविटी करनी है, उहदा साडे सिस्टम नूं, साडे एजुकेशन सिस्टम नूं की लाभ होने वाला है। एक 20 दिन का प्रोग्राम मिथ्या गया और उहदा एक एक पॉइंट असी डिस्कस करांगे इस वीडियो दे अगले भाग दे विच। दोस्तों मैं दस दिया कि असी अपने स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कलीजपुर जिला गुरदासपुर विच एक एक्टिविटी क्रिएट की, उहदा नाम सी सुपर मॉम। सुपर मॉम एक्टिविटी दे विच की करना सी कि एक 20 दिन का प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम दे विच प्रिंसीपल सर, स्कूल दे बाकी टीचर, बच्चे ते बच्चों के पेरेंट्स, फिलहाल असी एक क्लास दे नाल गल की। अगर ये प्रोग्राम सक्सैस रहा तो फिर असी होर क्लासा भी नाल ऐड करांगे। ये प्रोग्राम 2 मई में एक मीटिंग बुलाई गई जिहदे विच 6वीं क्लास के बच्चों के पेरेंट्स नूं बुलाया गया। इस पेरेंट्स मीटिंग दे विच असी प्रिंसीपल सर जी मौजूद सन। असी ये डिसाइड किया कि
नंबर एक दे उत्ते अटेंडेंस बच्चे दी पूरी होनी चाहिए है, नंबर दो दे उत्ते जेड़े बच्चे यूनिफॉर्म तो बिना आते हैं वह यूनिफॉर्म दे विच आन, नंबर तीन बच्चों की साफ सफाई की गल सी, नंबर चार दे उत्ते स्कूल वालों दिता गया जेड़ा होमवर्क सी वह करके आना सी, नंबर पांच दे उत्ते केयरिंग ऑफ स्टडी मटीरियल जिहदे विच कापियां किताबां पेन पेंसिलां जां उहदे बैग की सफाई वगैरह जां बुक नूं बाइंड करना सी, ते नंबर छे दे विच पेरेंट्स टीचर्स जिहड़ी कम्युनिकेशन सी उहदे विच पेरेंट्स का हिस्सेदार बनना सी। सारे दे सारे छे पॉइंट डिस्कस किए गए, तुसीं जिवें देख भी सकते हो तुहानूं तस्वीरां दे विच तुसीं देख रहे हो। इस मीटिंग दे विच ये सारे दे सारे पॉइंट्स जिहड़े सी विद्यार्थियों दे नाल बच्चों के पेरेंट्स दे नाल डिस्कस किए गए, और ये छे दे छे पॉइंट्स जिहड़े हैं अगले 20 दिन चेक किए जाने सी बच्चों के। दोस्तों 3 मई 2023 का दिन आ गया, ये साडा सुपर मॉम एक्टिविटी का पहला दिन है। अज साडा सुपर मॉम का पहला दिन है, ठीक है। असी इहदे विच केड़ी केड़ी चीज़ नू कवर करना है, तुहाडी अटेंडेंस, जिस बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं हुई वो इस एक्टिविटी दे विचों उहदी जिहड़ी मदर है वो बाहर हो जाएगी, ठीक है, क्लीयर। यूनिफॉर्म जाना सारे बच्चों ने, परसनल हाइजीन तुहाडी शरीर की सफाई, तुसी अपने बालों की सफाई करनी है, तुहाडे नेल्स कट्टे होने चाहिए ने, तुसी अपने दंद अच्छी तरह साफ किए होने चाहिए ने, ना कि आना है, सारियां गल्लां तुहाडियां परसनल हाइजीन दे विच आंदियां। अगला नंबर है कि असी होमवर्क करके ही आना सारिया ने, जिहड़ा बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा उहदे मदर्स ते जिहड़े नंबर ने वह फिर कट्टे जाणगे ते उस हिसाब नाल वह पिछे चली जाएगी, ठीक है। चलिए जी अगे, केयरिंग ऑफ स्टडी मटीरियल, स्टडी मटीरियल दे विच बुक्स आ गई, तुहाडियां कापियां आ गई, तुहाडियां पेन पेंसिल आ गई, तुहाडा बैग आ गया, सारा कुछ तुहाडा साफ सुथरा ते क्लीयर होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट विच साडा हैगा कि तुहाडे जिहड़े पेरेंट्स हैगे ने उहनां नूं टीचर्स दे नाल जदों पीटीएम हुंदी है उहनां दा आना बड़ा जरूरी है, जे उह नहीं आंदे तां वी तुहाडे पेरेंट्स दे नंबर कट्टे जाणगे, ते सुपर मॉम जिहड़ा फस्ट पोजिशन असीं कढ़नी है, सैकेंड भी कढ़नी है, थर्ड भी कढ़नी है, और फिर पिछे हो जाणगे तुहाडे पेरेंट्स, तुहाडी मदर, ठीक है। और वेरी गुड, शाबाश, सिट डाउन। तू रिबनस नहीं लगाए बेटा, रिबनस लैने हैं, आहो तो लगाने हैं, रिबनस लगा के ते दो गुत्तां करनियां जिस तरह तू कीती दी करेले करने, शाबाश, बैठो, वेरी गुड, शाबाश, एदी यूनिफॉर्म भी ठीक है, शाबाश, बैठो बैठो, ठीक है, एदी यूनिफॉर्म भी ठीक है, लेकिन देखो ना थोड़े थोड़े निशान लगे दे ना पेन दे, ये मम्मा नू कहना अच्छी तरह रिमूव करने हैं, तो सोहने बच्चे बन के स्कूल आना है, वेरी गुड, ठीक, बैठो, शाबाश, बैठो, तुसी भी बैठो, की नाम सी तुहाडा, तनु, की नाम सी, ओए तू ठीक नहीं सी कल बेटा, हूँ ठीक है, हूँ ठीक है ना, ते तेरी तेरी शर्ट गंदी है थोड़ी जी, इहनू ठीक करना है, मम्मा नू कहना धो के पानी है, इस तरह नहीं पानी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, सिट डाउन। की नाम सी भला, पायल, पायल भी बड़ी अच्छी कुड़ी है, चंगी है ना कुड़ी, ठीक है, सिट डाउन, शाबाश, बैठो, वेरी गुड, शाबाश, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, बेटा करेले करने हैं, बेटा दो कुत्तों के कर लिए लेकिन करेले नहीं किए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेले करने, जिस तरह कनिका ने किए थे, कनिका सोहनी लग रही है ना, वेरी गुड, शाबाश, कनिका बैठ जाए, शाबाश, तुसी भी बैठो, हुण आ गई मुंडियां दी वारी, ओए मुंडियां दी वारी आ गई, शाबाश, वेरी गुड, प्रेस करके पानी है कमीज, शाबाश, ए ठीक है, कोई नहीं, बैठो, शाबाश, बैठो, ओ वेरी गुड, शाबाश, देखिया कितना सोहना लग रहा मुंडा, लेकिन बूट जड़े ने दूसरे यूनिफॉर्म वाले बूट भी पाने ना, ठीक है, शाबाश, बैठो, तेरे को यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म, अच्छा चलो कोई नहीं, तू यही कपड़े पा गया, यूनिफॉर्म है ही नहीं तेरे को,
अच्छा बाल कटाने हैं, तेरी कमीज गंदी है बेटा, ये देख नहीं आहो तो के पा रही है ना, गंदी कमीज है ना, चंगी लग रही है, गंदी कमीज नहीं पा के आना, बैठो। शाबाश वेरी गुड, शाबाश वेरी गुड। ते तेरी भी ठीक है, यह लाइन कि मारियाँ अबे बज गई। तो मैं कहा सी ना कि सिर के उत्ते इस तरह का रुमाल नहीं बनना, ऐद वाग बनना, पग बन लेना उन्होंने है नहीं, इदा का रुमाल तो आता ना बनने, इस तरह का पटका वो बनना है, सोहना लगता है। बैठो शाबाश वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड, शाबाश बैठो, गुड ओ वेरी गुड, शाबाश बैठो, बैठो शाबाश बैठो, ठीक है गुड। चलो जी ठीक है, सारे बच्चों ने डिसिप्लिन च रहना, सोने बन के आना, घर का काम सारा करके आना, ठीक है। तो असी फिर हूँ कल दोबारा थोड़ा चेक करांगे।